लिए मेरा केस ऑर्डर का था एफएनएम का ठीक करके बाहर डिस्पोज होता है तो उसके लिए फिर उसमें से हमने एक डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट किया कि उस पानी को मैं प्लांट के लिए यूज किया जीएनडी के लिए कितने सीओडी होता है सर 46 तो उस टाइम आगे आया बेटी सो बेटी तो नहीं है ये 10 डेज आप इसकी मुझे आप होता है सैंपल कर लें ओके सर ठीक है ना पॉसिबल नहीं है 30 40 ये जो कुछ कह रहा है ना ये पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है ठीक है ठीक है ना उस वाटर को हमने कुछ और वॉशिंग और ये भी एक्टिविटी में प्लांटेश के लिए सर ये कंडेंसेट का था हमारी आरडी की वॉशर होती है जहां से ये हमारे थे हमारी पेटलाइन अब आपकी कंडेंसेट कहाँ कहाँ है कंडेंसेट कभी सर वॉश कंडेंसेट जो है आपकी कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रही है कौन बताएगा कंडेंसेट हमारे सिर्फ दो जगह से हम पेट नहीं करते हैं एक हमारी आरजीबी की वॉशर है उससे हम डी यूटिलाइज कर रहे हैं पंप्स वगैरह लगे हुए हैं जिस तरह ये टैंक लगा हुआ है इससे पंप बैक करते हैं अपने बॉयलर के फीड वाटर टैंक के पास ताकि इसको हम दोबारा यूज कर दूसरा हमारे सीरम रूम्स के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं स्टीम प्रेशराइजेशन करने के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पे भी अब हमने एक छोटा सा यानी इस तरह का एक कंटेनर एक रिजर्वॉयर बना लिया है और उसके बाद पंप्स कर लिए वो भी हम पंपिंग पंप बैक करना स्टार्ट हो गए हैं हमारे बॉयलर को ताकि कॉन्डेंसेट हमारे पास मैक्सिमम रिकवरी हो इसके अलावा हम और स्टीम कहीं पर प्रोवाइड नहीं करते सीआईपी हो रही हो मतलब अगर तकरीबन वो के 8 और 9 के तो कहना है मैक्सिमम 99.2 तक जाती है तो मतलब कि उसको ना काफी पता है जी दबानी है थोड़ा बहुत जो है जो फ्लशिंग करते हैं कास्टिंग नहीं आता होता जो फुल ड्रेन करते हैं बाद में फ्लशिंग होती है उसका पानी पड़ता है उसमें देखो बाहर से चक्कर ऊपर को देने के लिए नहीं सर वो रिकवर होता है ना नाइन पॉइंट जब आप कह रहे हैं अभी जो
तो पीएच इंक्रीज होगा, उसके बगैर कैसे जाएगा? अगर क्लोज साइकिल हो मेरे पास और मैं उस क्लोज साइकिल में अगर कोई सर्टेन हार्ड फैक्ट मूव कर रहा हूँ तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पानी जो है प्राइमरी चीज है, ये एक सेकेंडरी चीज है, तो बात तो हो जाती है। जब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो पीएच 7.0 से लेकर 9.2 तक कैसे पहुंच जाएगी? इसका मतलब ये है कि जब आप सीआईपी कर रहे होते हैं, सीआईपी जितनी आपने पढ़ी है तो आपकी उम्र के बराबर मैंने पढ़ी थी, तो मैंने आपको पहले से दिखा था कि आप गलती कर लेंगे ना, मुझे एतराज नहीं है, कोई मसला नहीं है, गलती होती है इंसान।